नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान जी की पूजा से, क्योंकि सुबह सुबह के जो काम हैं उनमें सबसे ज़रूरी काम ये भी है, भगवान का नाम लेना, उनके जोत जलाना। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भगवान को याद करने का, सब धर्म में अलग अलग हिसाब होता है। तो हमारे यहाँ जोत जलाते हैं सुबह शाम दोनों ही टाइम। तो मैं नहा धो ली थी काम निपटा के सुबह के, तो फिर मम्मी गई हुई थी नहाने, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इतना दिया बत्ती कर देती हूँ, जोत जला देती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ता भी बनाना था और शाम के टाइम मैंने कपड़े धोए थे तो वो भी कपड़े डालने थे मुझे छत पे। तो यहाँ पर मैं जोत जला रही हूँ और बच्चे नहाए नहीं थे तो ये ऐसे ही आके बैठ गए हैं। पर कहते हैं कि बच्चों का कुछ खास ऐसा नहीं होता कि नहाए नहीं नहाए, क्योंकि बच्चे खुद ही भगवान का रूप होते हैं। तो यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ अब। तो आरती करने के बाद मैंने लगाया है सबको तिलक, खुद को भी और बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों को मेरे बहुत शौक है तिलक लगवाने का। पूजा हो गई है। तो दिया लगाने के बाद मैं आई हूँ छत पे तुलसी को जल देने के लिए और साथ ही साथ सूरज को भी। ये शनिवार का वीडियो है, ये आज आपको इतवार को मिल रहा है। तो इतवार को पानी नहीं देते हैं तुलसी को, तो इसलिए मैंने तुलसी को बहुत सारा पानी दिया है, जल दिया है एक जग भर के, क्योंकि अगले दिन फिर उनको पानी नहीं चढ़ाया जाता। और अब मैंने सूर्य को भी जल दे दिया है। और जब तक मैं ये सब कर रही थी तो मम्मी भी आके नहा ली थी और अब मम्मी भी पूजा पाठ कर रही है। और ये बच्चों का चल रहा है कीर्तन अपनी दादी के साथ। कृष्णा को कहीं भी छोड़ दे, ये अपने शैतानियों का सामान ढूंढ ही लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। ये हमने नीचे मंदिर लगा जरूर दिया है, पर कृष्णा का इतना डर लगता है कि कई बार ये प्लेट को पकड़ के खींच लेता है इधर को, या कपड़ा खींच लेता है, तो डर लगता है बहुत ही। पूजा वगैरह करने के बाद अब हम पियेंगे चाय। मैं बच्चों के लिए दूध लेके आई हूँ और अपने लिए चाय, मम्मी के लिए भी मैं चाय लेके आई हूँ। जो मेरा कृष्णा है ये ऊपर का दूध नहीं पीता है, तो इसको कोशिश करती भी हूँ मैं बहुत खिलाने पिलाने की, ये खाता ही नहीं है पता नहीं क्यों। तो अगर आपके पास कुछ स्पेशल टिप्स हो कि ये खाने लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये खाना बिल्कुल नहीं खाता, थोड़ा बहुत खाता है, तो नहीं तो बस फिर ऐसे ही घूमता रहता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओ, खड़ा हो, क्यों पड़ा तू नीचे? पड़ जा, पड़ के खा ले। नीचे पड़ के कौन खाता है? खड़ा हो, चल पड़ा हो जा। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। पहले मैंने चदरे ली हैं, उनको मैं ऊपर वाली छत पे डाल दूंगी और फिर बाकी के जो कपड़े हैं वो नीचे वाली छत पे डालूंगी मैं।
बेडशीट उतारी थी और उससे पहले एक दिन बुआ जी आ गई थी, उससे एक दिन पहले बृहस्पति था, तो इसलिए कपड़े नहीं धो पाई थी मैं। 2 दिन हो गए थे धोए हुए कपड़े, तो फिर मैंने कल शाम यानी कि शुक्रवार की शाम को कपड़े धोए हैं और ये शनिवार की सुबह का है। तो फिर बेडशीट वगैरह भी हो जाती हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनमें तो बहुत गंदी हो होती है, तो मैं हर तीसरे चौथे दिन सारी बेडशीट उतार के धो देती हूँ। तो बेडशीट डालने के बाद मैं नीचे वाली छत पे आ गई हूँ और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ छोटे वाले कपड़े रोज पहनने के। कई कई जोड़े हो गए थे और अब तो वैसे भी बाहर से आने के बाद दोबारा ना आके कपड़े बदलते ही हैं, तो इस चक्कर में बहुत कपड़े हो जाते हैं। 2 ही दिन के 3-4 जोड़े हो जाते हैं तो बहुत कपड़े हो जाते हैं, इसलिए रोज के रोज धोने पड़ते हैं मुझे। कपड़े फैला दिए हैं मैंने सारे ही और आज नाश्ते में बनाने हैं आलू के पराठे। तो आलू मैं उबाल के गई थी ठंडे होने के लिए रखने के लिए, तो अब मैं सारों को कद्दूकस कर रही हूँ और प्याज भी मैंने काट लिया है इसमें डालने के लिए। 2-3 प्याज काटी है मैंने, छोटी ही थी, वो बड़ी होती तो एक ही बहुत थी, तो 2-3 प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है और 4-5 हरी मिर्च ली है। बाकी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। आज मैं ढाबा स्टाइल आलू के पराठे बना रही हूँ जैसे कि ढाबों पे बनाया जाता है और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ इसमें घी का तड़का, थोड़ा सा ही घी मैंने लिया है इसमें, और उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग सबसे शुरू में, उसके बाद जीरा, धनिया और थोड़ी सी अजवाइन डाल के मैं इनको हल्का सा फ्राई करूंगी और इसी में ही मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च के तड़का बहुत अच्छा लगता है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें डाल दी है प्याज। प्याज को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी मैं इनको, हल्का सा ही आँच लगाऊँगी और इसी में ही मैं फिर हल्दी और मिर्च डाल दूँगी। हल्दी मैं कम ही डाल रही हूँ सिर्फ कलर के लिए और मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हल्का सा फ्राई करने के बाद इनको मैंने मसालों को इसमें डाल दिया है। आलू जो मैंने मैश किए हुए थे, नमक मैंने नहीं डाला हुआ है क्योंकि नमक मैं अगर पहले डालूंगी तो प्याज नमक की वजह से पानी छोड़ने लगेंगी। तो थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी नमक। तो नमक भी मैं स्वाद के अनुसार ही डाल रही हूँ, हम तीखा खाते हैं पर मैं बच्चों के घर के ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ। नमक डालने के बाद मैंने इनको अच्छी से मिक्स किया है और जब ये मसाला कढ़ाई छोड़ने लगे, मतलब कढ़ाई को ना लगे, तो समझ लीजिए आपका मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। तो फिर इसको निकाल के दूसरे बर्तन में रख लीजिए, ठंडा होने के बाद ही इसके पराठे बनेंगे। तो मसाला भुन गया है मेरा और इसको मैं निकाल दूंगी कढ़ाई में जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा होता है तो मैं दूसरी गैस पे रख दूंगी चाय भी। और लीजिए मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। पराठे मैं अच्छे बना लेती हूँ और सही में बताऊँ तो मुझे इस तरीके से पराठे बनाना इन्होंने सिखाया है, कृष्णा के डैडी ने। तो लोई ले लीजिए, एक अच्छी सी पेड़ी ले लीजिए यानी कि आटे की, और उसको हाथों से गोल कीजिए, बीच में से थोड़ा सा मतलब गहरा कीजिए, और जो आटे की आलू की पिट्ठी है उसको आप अगर रोल करके अच्छे तरीके से उसकी बॉल बना के रखेंगे तो वो नहीं निकलेगी, पर अगर आप उसको ऐसे ही आटे में रखेंगे तो वो निकलती रहेगी इधर से उधर। तो सारे कोने मिला के आपस में मैंने उनको जोड़ दिया है और जो एक्स्ट्रा आटा निकला है उसको निकाल दिया है मैंने। तो इससे जो पराठे हैं वो मतलब बिल्कुल एक सार बनते हैं, ये नहीं होता कि बीच में आटा ज़्यादा हो गया या मसाला ज़्यादा हो गया। तो फिर मैं हाथों से जो अंदर मैंने पीठी भरी है इसके, उसको अच्छे तरीके से हाथों से मैं फैला दूंगी, यानी कि मैंने कुल मिला के बेलन का इस्तेमाल सिर्फ लास्ट में किया है जो मसाला मैंने डाला है उसको इक्वली फैलाने के लिए। तो मसाला ये जो पराठे हैं ये फटेंगे भी नहीं इस तरीके से, और मतलब गोल गोल फूले फूले पराठे बनेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना लूँगी फटाफट से। और पराठे बनाते बनाते ही मैंने ये देना भी शुरू कर दिया था मम्मी को, अनुज भैया को, क्योंकि गर्म गर्म ही पराठे अच्छे लगते हैं और जब फटाफट से बनते रहते हैं तो फिर देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पराठे बना भी रही हूँ और साथ ही साथ मैंने दे भी दिए हैं।
और आप देख भी रहे होंगे कि जो सारे पराठे हैं वो गोल गोल बन रहे हैं और मतलब करारे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटियों के लिए खाना लगा रही हूँ नाश्ता। दरअसल ये उन्हीं की डिमांड थी कि उनको आलू के पराठे खाने हैं, बहुत दिनों से वो बोल रही थी कि आलू के पराठे खाने हैं मम्मा। तो फिर जब बच्चे जिद करते हैं फिर उनको तो देना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं और अगर उन्हीं की ही विश पूरी ना की जाए तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। तो खाना बना दिया है मैंने लगभग सारा ही, नाश्ते में पराठे वगैरह बना लिए हैं मैंने। और अब मतलब मैं दे भी रही हूँ साथ के साथ ही और बना भी रही हूँ, तो जल्दी जल्दी सारा काम हुआ जा रहा है मेरा। और पराठे सच में बहुत अच्छे बने थे, मम्मी ने भी बोला कि पराठे अच्छे बने हुए हैं। तो इसी तरीके से मैंने एक एक करके सारे पराठे बना लिए हैं और आप देख भी रहे होंगे कि इनमें से एक भी पराठा ना तो फटा है ना ही उसमें से जो मसाला है वो बाहर निकला है और सारे ही पराठे गोल गोल बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे भी अच्छे टेस्टी बनेंगे और गोल बनेंगे। पराठे भी कई तरीके से बनते हैं, तो आज मैंने ढाबा स्टाइल में बनाए हैं, आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो खाना वगैरह बनाने के बाद सबको खिलाने के बाद मैं कर रही हूँ गैस साफ़ और स्लेब भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि काम करने के बाद किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मक्खियाँ वगैरह बहुत आ जाती हैं। लीजिए किचन भी मेरा हो गया है साफ़ सुथरा और सारा काम निपटा ही लिया था मैंने, साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो गई थी। तो बाद में एक बार हाथ निकालना होता है सारे ही काम में को, तो सिर्फ वही मेरा रह गया था। तो अब मैंने लगा लिया है अपने लिए भी नाश्ता। तो मैंने भी अपना खाना लगा लिया है, मैंने पराठे लिए हैं मक्खन के साथ, मुझे मक्खन या मलाई के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। तो मैं भी नाश्ता करूंगी और उसके बाद फिर नाश्ते के बर्तन रहते हैं थोड़े से और कपड़े लेके आऊंगी मैं फिर उतार के छत से। तो काम सुबह का सारा लगभग खत्म हो चुका है, तो अब मैं नाश्ता करूंगी और इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।